students, how are you? Good morning, all of you. Now, open your textbook, page number 50. Okay, आज हम lesson 10 की exercise करेंगे. Now, start. आज हम मौखिक question answer अभी देखेंगे. तो number 1, जंगल के प्राणी क्यों दुखी थे? तो देखो, शेर है ना, वो छोटे बड़े पशुओं को रोज मारकर खा जाता था. इसी वजह से जंगल के प्राणी दुखी थे. नंबर 2, खरगोश क्यों खुश हुआ? शेर को मारने का उपाय उसे मिल गया, इसी वजह से खरगोश खुश हुआ. नाउ नंबर 3, जंगल के जानवरों की ओर से शेर से बात किसने की? तो लोमड़ी ने बात की. नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. नंबर 1, जानवरों ने शेर से क्या प्रार्थना की? तो उन्होंने प्रार्थना की, महाराज हम में से एक पशु रोज आपके पास आएगा तो आपको शिकार करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हो. यह जानवरों ने शेर से प्रार्थना की. नाउ नेक्स्ट, खरगोश ने देर से आने का क्या बहाना बनाया? तो लिसन, हम 5 खरगोश आपके पास आ रहे थे. रास्ते में दूसरे शेर ने हम में से 4 को खा गया और भागकर मैं आपके पास आया हूँ. तो खरगोश ने देर से आने के लिए यह बहाना बनाया था. नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 51. शेर ने कुएं में छलांग क्यों लगा दी? आंसर, पानी में शेर को अपनी छाया दिखाई दी, वह जोर से गरजा, कुएं में से भी वैसी ही आवाज आई. शेर क्रोध में आकर दूसरे शेर पर आक्रमण करने के लिए कुएं में छलांग दी. तो शेर को ऐसे लगा कि कुएं में भी दूसरा शेर है, तो गुस्से में आकर उसके पर आक्रमण करने के लिए उसने कुएं में छलांग दे दी. नाउ नेक्स्ट, देखो, रिक्त स्थान भरो. तो नंबर 1, आपको सही आंसर लिखकर ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. जंगल के सभी प्राणी बहुत दुखी थे. नंबर 2, शेर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ. नंबर 3, हम में से एक पशु रोज आपके पास आएगा. नंबर 4, एक दिन एक खरगोश की बारी आई. ब्लैंक्स में आपको सही वर्ड्स लिखकर कंप्लीट करनी है. नाउ नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. देखो, सही हो वहाँ टिक करना है और गलत है वहाँ क्रॉस करना है, मतलब ट्रू और फॉल्स. नाउ स्टार्ट. नंबर 1, जंगल के सभी प्राणी बहुत खुश थे. नहीं, क्या थे? दुखी थे. तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? क्रॉस. नेक्स्ट, लोमड़ी ने कहा, आज से आप हमारे राजा नहीं रहे. नहीं, क्रॉस, ये सेंटेंस रॉन्ग है. नंबर 3, तभी सामने से एक छोटा खरगोश आता दिखा. ट्रू. कुएं से कोई आवाज नहीं आई. क्रॉस. शेर को अपनी गुफा में बैठे बैठे शिकार मिलने लगा. ट्रू. नाउ नेक्स्ट, किसने किससे कहा? हु सेज होम. नंबर 1, देखो, आपसे एक विनती है, ये सेंटेंस लोमड़ी ने
शेर से कहा, मतलब शेर कौन था? महाराज। तो लोमड़ी ने कहा महाराज से कि आपसे एक विनती है। नेक्स्ट, आप उसे खाकर अपनी भूख शांत किया करें। तो ये भी लोमड़ी ने शेर से कहा। नेक्स्ट, लेकिन मुझे रोज भोजन मिलना चाहिए। तो ये सेंटेंस शेर ने लोमड़ी से कहा। नेक्स्ट, रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया। ये खरगोश ने शेर से कहा था। नाउ नेक्स्ट, टर्न योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 51। देखो, सही वर्तनी वाला शब्द पहचान कर उसके पर बोला करो। तो देखो, यहाँ जो वर्ड्स दिए है उसमें से जो वर्ड सही है, मतलब उसकी वर्ड सही है, तीन दिए है उसमें से कोई भी एक वर्ड सही है और दो गलत है। तो जो शब्द सही है उसके पर हमें गोला करना है या सर्कल करना है, ऐसे करना है। नाउ स्टार्ट। देखो, नंबर वन, परानी प्राणी प्राणी, तो कौन सा शब्द सही है? ये वाला। तो उसके पर आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट, रास्ता रास्ता रास, तो रास्ता ये सही है। नंबर थ्री, प्रकार प्रकार प्रकार, तो ये प्रकार सही है, प्रकार है, प्रकार है, और ये प्रकार ये सही शब्द है। तो उसके पर हम गोला करेंगे। नेक्स्ट, क्रोध क्रोध कोध्र, तो सही क्या है? क्रोध। इसके पर गोला करेंगे। गुराना गुरानरा गुराना, तो ये जो है लास्ट वाला गुराना, तो ये सही है। तो इसके पर हम गोला करेंगे। नेक्स्ट देखो, जंगल जंगली प्राणियों के चित्र एकत्र कर चिपकाओ और उनके नाम लिखो। तो ये एक्टिविटी में आपको घर पे करने के लिए दे रही हूँ, आपको खुद करना है। देखो, जो जंगली मतलब वाइल्ड एनिमल्स है ना, उसकी जो पिक्चर है ना, वो आपको इकट्ठे करने हैं और यहाँ उसको चिपकाना है और नीचे उसके नाम भी आपको लिखना है। मतलब एक कौन सा पिक्चर है कौन से एनिमल का, वो आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है, चित्र चिपकाना है और उसका नाम लिखना है। ठीक है, आपको ये मैं घर पे एक्सरसाइज दे रही हूँ। तो आज हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय।